नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। खबर है उत्तर प्रदेश के चंदौली से। ईंट भट्टे की मुंशी की हत्या के चंदौली पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने एक निर्मम हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने दो युवक को गिरफ्तार कर उनको निशानदेही पर खून से रंगे कपड़े टार्च बरामद किए। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के दौरान पूरा मामला लेन देन के संबंध में था। रविशंकर मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आपको पता है कि बीस बटे इक्कीस की प्रातः में एक सरजू यादव है जो अपने ईंट भट्टे में एक मुंशी था, उसकी दर तोड़ के मृत्यु कर दी गई थी और ब्लाइंड मर्डर था। आज इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया है। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या कहते हैं, जो निकल के आई है कि दो लोग आए हैं प्रकाश में, करीबन बनवासी और रामचंद्र बनवासी जो करीबन का साला है। इनका उस भट्टे पे काम जो है वो पैसा बकाया था, मतलब इनके 23,000 रुपये का एक्स्ट्रा इनको पेमेंट कर चुका था भट्टे वाला और मुनीम से इनकी क्या कहते हैं भी बार बार झड़प हो चुकी थी। तो वैसे केस क्या कहते हैं बहुत टिपिकल हो गया था, मगर बड़ी अच्छी विवेचना हुई है इसमें। विवेचना में ये प्रकाश में आया था कि जो रात्रि में ये सरजू टॉर्च लेके निकला था पर टॉर्च मिली नहीं वहाँ मौके पर, तो उसी टॉर्च के खोज में क्या कहते हैं जितने भी सस्पेक्ट थे उनको सर्च आउट किया गया। फाइनली क्या कहते हैं जब ये पता लगा कि टॉर्च मिल गई है तो क्या कहते हैं उसके बाद ये लाए गए कुछ क्वेश्चनिंग के लिए करीबन, और इन्होंने अपना जो गुनाह है वो कबूल किया और साथ ही साथ में ये बताया कि रामचंद्र के साथ मिलकर इन्होंने शराब पी थी, उस तरह का शराब पी के और ये गुस्से में घटनाएं कारित की है। सर पीछे कारण क्या सामने आया? कारण ये सामने आया कि इनका पैसा भट्टा मालिक से बकाया पैसा था, जो भट्टा मालिक ने इनको एडवांस में काफ़ी पेमेंट कर रखी थी जिसके लिए एवज में इन्होंने काम नहीं किया था और काम इन्हें करना था, मगर इस बीच में जो मुंशी था, जो सरजू मुंशी था, वो लगातार इनको बताता रहता था कि ये इसकी पेमेंट करनी है, उसके परे उसके काम करना है। तो ये चीज़ इनको बड़ी अखर रही थी, वो बार बार क्यों बताता है और क्यों उसके ये एग्रीमेंट कर लेता है कि अगर मुझे हमें पैसे लौटाए जाने हैं, तो इस बात पे गुस्सा होते हुए शराब पीते हैं।